अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही प्यारी ये डिज़ाइन बनाने वाले हैं एम्ब्रॉयडरी से, जिसके लिए यहाँ पर हम दो तरह के धागे यूज़ करने वाले हैं। एंकल का पर्ल कॉटन फास्ट कलर 4591 इसका कोड है, और ये आपको प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर्स, ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ पर मिल जाएगा। और सेकेंड ये है एंकल का मैशर कॉटन फास्ट कलर थ्रेड 4054 इसका कोड है, 65 रुपीज़ इसकी MRP है, और ओनली 35 रुपीज़ इसकी MRP है, बट आपको उनकी वेबसाइट पर ये डिस्काउंट में मिलेगा। ये नीडल एम्ब्रॉयडरी की नीडल 7 नंबर से 9 नंबर तक आप ले सकते हैं, और इसकी आई इस तरीके से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर ये जो रिंग है ये आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगी, और यहाँ पर मैंने एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है जिस पर हमने कुछ इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी बना ली है। आप स्क्रीनशॉट लेकर फिर आप आराम से ड्रॉ करोगे। यहाँ पर ये जो हमने बनाई है इस पर हम स्टेम स्टिच बनाने वाले हैं, जो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है, फिर भी एक बार मैं बता दूंगी। नेक्स्ट जो लीव्स हम बनाने वाले हैं उसके लिए हम फिलिंग स्टिच भी कहते हैं इसे, और साटिन स्टिच भी कहा जाता है। और ये जो हम राउंड्स बनाने वाले हैं लाइक ये चेरीज जैसे लग रहे हैं, ये फ्लावर्स हम बनाएंगे फ्रेंच नट स्टिच से। तो यहाँ पर साथ ही साथ मैं आप लोगों को फ्रेंच नट कैसे लेते हैं वो भी सिखाऊंगी, और किस तरीके से फील करना है वो भी हम सीखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रेड कलर का जो बटन है उसे प्रेस करके, और बेल नोटिफिकेशन आएगी वहां पर आपने ऑल पर क्लिक करना है, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और इस तरीके से आपने ये धागा इसमें से निकाल लेना है। यहाँ पर मैंने नीडल में धागा डाल दिया है, और मैंने एक ही धागे पर नट लगाई है। अगर आप चाहे तो दोनों धागे पर नट लगा सकते हैं। और अब यहाँ पर देखें, मैंने ये स्टेम स्टिच ये बना ली है। शायद आप लोगों को ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को ये सिखाया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आप लोगों को इस पर ये स्टेम स्टिच बनाकर बताऊंगी, और फिर हम ये साटिन स्टिच बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने स्टेम स्टिच बना लेना है। टॉप से हम धागा निकाल लेंगे बाहर, और धागे को रखेंगे हम अपनी तरफ, और उस पर हम अपना थंब रख देंगे। अब थोड़ी सी दूरी से, लाइक अगर हमें इतनी दूरी से नीडल अंदर डालनी है तो उसकी आधे पोर्शन से हमें नीडल बाहर निकाल लेनी है। मैं थोड़ा नज़दीक से आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए, उसके आधे पोर्शन से नीडल बाहर निकालने के बाद फिर धागे को हम अपनी तरफ रखेंगे इस तरीके से, फिर यहाँ से हम नीडल डालेंगे और उसके आधे पोर्शन से हम नीडल बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से अब फिर ये धागा हम अपनी तरफ रखेंगे। अगर आपको बड़ा बड़ा नहीं चाहिए तो छोटी छोटी स्टिचेस बनाओ, वो भी बहुत प्यारी लगती है। बस आराम से इत्मीनान से आपने बनाते जाना है। और भी अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए स्टेम स्टिच की तो आप मेरी पुरानी वीडियो लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर थंब से आपने पकड़ लेना है, और ऐसे ही आपने बनाते जाना है। यहाँ पर देखिए मैंने छोटी छोटी स्टिचेस बनाई है, अगर आपको चाहिए तो आप भी ऐसे नज़दीक नज़दीक स्टिचेस बना सकते हैं। हमने ये स्टेम स्टिच और साटिन स्टिच दोनों बनानी है, इसलिए मैंने धागा बड़ा रखा है। धागा जब भी हम बड़ा रखते हैं तो वो इस तरीके से उलझता है धागा, तो आराम से आपने इसे सीधा कर लेना है। अगर आप जल्दी करोगे तो नट आ जाएगी, फिर शायद आपको धागा खोलना भी पड़े, इसलिए बड़े आराम से आपने इसे सेट कर लेना है। ओके, देन ऐसे ही आपने कंटिन्यू, मैं थोड़ा दूर से बताती हूँ ताकि प्रॉपर नीडल हम कहाँ से डाल रहे हैं आप लोगों को दिख सके। ऐसे ये स्टेम स्टिच बनने के बाद बहुत प्यारा लगता है। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और रेड कलर का जो बटन है उसे प्रेस करके फिर बेल नोटिफिकेशन आएगी वहाँ पर आपने ऑल पर क्लिक करना है, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन आराम से मिल सके। देन
आपने कमेंट भी करना है क्योंकि मेरे चैनल पर चल रहा है गिव अवे, मेरे मेन चैनल पर अल्बिनास कलरफुल थ्रेड पर। तो अगर आप कमेंट करोगे तो गिव अवे में आप विनर बन सकते हैं क्योंकि मेरे पास आप लोगों के नाम आ जाएंगे। ये स्टेम स्टिच डंडियों के लिए बहुत प्यारी लगती है। और एंड द लास्ट, अब मुझे यहाँ पर लास्ट एंड करना है, तो आप देखोगे सिर्फ इतना सा निशान रह गया, तो वहाँ पर आपने सिंपली ऐसे नीडल डाल देनी है। देन अगर आपको एंड करना है तो पीछे से आपने धागे को यहाँ पर नट दे देना है, वो भी मैं बता देती हूँ ताकि अगर आप लोगों को एंड करना हो तो फिर आपको प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से धागा निकाल कर फिर इस धागे में से नीडल डालकर यहाँ पर आप देखोगे कि एक नट आ जाएगी। ऐसे आपको अगर और नट देनी है तो दो नट्स भी आप दे सकते हैं। फिर आप धागा कट कर लो एंड देन ये जो धागा लूज हुआ है, यहाँ पर कपड़ा लूज हुआ है, वो हम सेट कर लेंगे साइड साइड से। और ये आपके स्टेम स्टिच बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम बनाएंगे ये सैटिन स्टिच। तो बैक साइड से आपने टॉप पर ये जो हमने पत्ता बनाए हैं यहाँ पर, देन टॉप से हमने नीडल बाहर निकालनी है और फिर आपने थोड़ी सी दूरी से नीडल अंदर डाल देना है। फिर आपने क्या करना है, इसके बराबर बाजू से आपने ये जो आपने धागा लिया है ना, इस तरफ से आपने नीडल बाहर निकालनी है। इस तरफ से भी निकाल सकते हैं आप पहले। देन इसके थोड़े से बिल्कुल हल्के से नीचे गैप में आपने नीडल वापस अंदर डाल देना है। देन इसे आपने सीधा कर लेना है। फिर आपने इस तरफ से नीडल बाहर निकालनी है। फिर यहां से आपने नीडल अंदर डाल देनी है। फिर इस तरफ से नीडल आपने बाहर निकालनी है। फिर यहां पर आपने इसके नीचे नीडल डाल देनी है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें और ऐसे ही आप कंटिन्यू से फॉलो करते जाओगे। इसे स्टेन स्टिच या फिलिंग स्टिच भी कहते हैं। ये जो एंकर के जो नॉर्मल धागे आते हैं एम्ब्रॉयडरी के, जिसमें 5 स्टैन होते हैं, अगर आप वो धागे से बनाओगे ना तो ये बहुत ज़्यादा भरा भरा हुआ लगता है। तो टोटली ऑप्शनल है, आप कोई भी धागे से इसे बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि ये इजी भी है लाइक बिगिनर्स के लिए, और प्लस जल्दी से बन भी जाता है, और साथ ही सबसे बड़ी बात कि ये बहुत प्यारा लगता है। सो अब आगे का पोर्शन में थोड़ा स्पीड में बनाकर आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए प्रॉपर आप लोगों को समझ में।
सो गाइज ये देखिए, ये हमने इसे अच्छे से फिल कर लिया है। अब बाकी के इस पर भी मैं स्टेम स्टिच आप लोगों को बनाकर बताती हूँ। सो गाइज अब तक हमने सीखा है स्टेम स्टिच और ये सेटिन स्टिच, तो अब हम सीखेंगे फ्रेंच नॉट स्टिच। ये 5 तरीके से बनाई जाती है और बहुत ही ईजी है। इसमें से एक तरीका आज हम सीखने वाले हैं और इस एक तरीके को भी 5 तरीके से बनाया जाता है। इट मीन्स के एम्ब्रॉयडरी में आप लोगों को बहुत सारी स्टिचेस देखने को मिलेगी। सो प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड देन अब ये वाला जो धागा है ना, इसे मैं डबल लेने वाली हूँ। सो ये भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो सिंगल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डबल ले ली क्योंकि ये धागा पतला होता है। पर्ल कॉटन के धागे से बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी की जाती है, तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप लोग ये धागा ज़रूर परचेज करें। अब सबसे पहले तो आप लोगों ने ये सीखना है कि फ्रेंच नॉट स्टिच कैसे बनाते हैं। अगर आप लोगों को आता है तो वेरी गुड। आपने सिंपली सबसे पहले ऐसे नीडल बाहर निकालनी है एंड देन इस हाथ से, लेफ्ट हैंड से आपने धागे को पकड़ लेना है, राइट हैंड से आपने 1 2 इस तरीके से करने के बाद बराबर इसके बाजू से आपने नीडल अंदर डाल देनी है। देन ये हाथ से धागा टाइट पकड़े रखना है आपने, लेफ्ट हैंड वाला धागा आपने टाइट पकड़े रखना है। देन आपकी ये नॉट बन के बिल्कुल रेडी है। सो देखा आपने कितना इजी है इसे बनाना। अब हम इस नॉट से ये पूरा सर्कल फिल कर देंगे। क्या करना है आपने, लेफ्ट हैंड में पकड़ना है 1 एंड 2, 2 टाइम्स राउंड लेकर इसे अंदर डालना है। इस हाथ में से धागे को छोड़ना नहीं है, टाइटली आपने पकड़े रखना है इस तरीके से। देन यहां पर 2 टाइम्स राउंड करके देन अच्छे से आपने पुश करना है, लेकिन ये जो धागा है इसे आपने छोड़ना नहीं है एंड तक, और इसे हम पूरा फिल कर लेंगे। मैं नज़दीक से बताऊँ आप लोगों को, ये देखें इस तरीके से पकड़ना है 1 2, 2 टाइम्स पूरा राउंड कंप्लीट होने के बाद आपने इस तरीके से अंदर डालना है, इस हाथ को छोड़ना नहीं है और वो भी टाइटली आपने पकड़े रखना है। अगर आप ये रिंग को किसी स्टैंड वगैरह पर लगाते हो ना, तो एम्ब्रॉयडरी बनाने में बहुत आसानी होती है, बट अभी मेरे पास भी स्टैंड है नहीं, तो हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम स्टैंड भी ले लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने थोड़ी थोड़ी दूरी पर पूरा हमें ये फिल करना है, उस हिसाब से आपने नीडल निकालनी है, डालना है, ताकि कहीं पर भी स्पेस बीच में ऐसा ना रह जाए कि वहाँ पर आप नट बना ना सको, क्योंकि बहुत कम स्पेस रह जाने के बाद ऐसे हो जाएगा ना कि आप बना नहीं सकोगे वहाँ पर। सो इस तरीके से देन अब मैं आपको थोड़ा ये स्पीड में करके बताती हूँ, ताकि आप लोगों को वक्त ज़्यादा ना लगे और स्टिच तो आप लोगों के समझ में आ ही गई है। ये देखिए यहाँ पर ये स्टिच इस तरीके से, थोड़ा सा धागा ये बाहर की तरफ रह गया और ये स्टिच लॉक हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही अगर सिचुएशन आती है तो इसके ऊपर हम एक और नट बना देंगे, लाइक इस तरीके से। ये जो एक्स्ट्रा धागा बाहर की तरफ रह गया है ना, इसके अंदर से हमने नीडल बाहर निकाली और इस धागे के ऊपर ही हमने एक और अच्छे से ये नट बना लेनी है, ताकि ये समझ में ना आए। ये देखिए इस तरीके से, तो ऐसे ही आपने करते हुए ये पूरा फिल कर लेना है, घाई नहीं करनी है, बहुत ही आराम से आपने बनाना है, ताकि ये कोई भी स्टिच आपकी ख़राब ना हो इस तरीके से। आप ये वाला धागा अगर छोड़ोगे ना, तो आपकी स्टिच खराब हो जाएगी। लास्ट तक आपने लेफ्ट हैंड वाला धागा छोड़ना नहीं है। देन आपने कॉर्नर्स से भी बराबर से नीडल निकालते हुए स्टिचेस बना लेनी है।
जहाँ पर आपको लग रहा है कि स्पेस कम है, तो आपने सिर्फ सिंगल धागा पकड़ना है। इस तरीके से। देन अब मैं थोड़ा स्पीड में बताती हूँ। सो गाइज़, ये देखिए, ये हमारा राउंड पूरा बन के रेडी हो गया है और कितना प्यारा लग रहा है ये। सो ऐसे ही आपने इसे कंटिन्यू फॉलो करना है। बैक साइड से आप लोग देख लो, अब सिंपली इतना सा धागा रह गया है, तो अगर आप इसे इस तरीके से लॉक करोगे ना, तो ये खुलेगा भी नहीं, और बस आपने इस तरीके से यहाँ पर बैक साइड में एक नॉट दे देनी है। देन आपने धागा कट कर लेना है, और ऐसे ही मैं ये पूरा कंप्लीट करके आपको इसका फाइनल लुक बताती हूँ। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर ले, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। और इसका फाइनल लुक देखने के लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना होगा। आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ध्यान रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय गाइज़।